ये हादसा करीब 5 साल पुराना है। जब एक बार कालू रात में अपने फ्रेंड की शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था, ठंडी हवाएं चल रही थी, जहां देखो बस सन्नाटा था। बस कालू की एक ही कार थी जो सुनसान रोड पर चल रही थी। उस रोड पर काफी कम घर थे, बाकी पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। उसने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। जैसे जैसे वो उस रोड से जा रहा था, उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। अरे यार, काश मैं हाईवे से चले जाता और इस रोड पर नहीं आता, पर अब मैं काफी आगे आ चुका हूँ और अब वापस भी नहीं जा सकता। कुछ दूर उसने देखा कि एक घर में कुछ लाइट जल रही है। अरे मैंने 15 मिनट से इस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने देखे वो या तो हाफ कंस्ट्रक्टेड थे या तो खंडर पड़े हुए थे। कालू की आंखें उस घर की लाइट पर जैसे अटक सी गई थी। तभी कोई उसकी गाड़ी के सामने आ गया। उसने अपनी गाड़ी का कंट्रोल करते हुए जोरों से ब्रेक प्लेस किया और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। उसके सामने एक अजीब सी चिड़िया खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वो रोते हुए मदद मांग रही थी। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। कालू तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस चिड़िया की ओर जाने लगा। वो थोड़ा डर भी गया था, लेकिन उसकी हालत पर उसको दया आ रही थी। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ मुझे, तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे साथ वहाँ चलो, उस घर में तुम्हें सब सच पता लग जाएगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये कहकर वो उस घर की ओर भागने लगी। कालू से देखकर काफी घबरा गया था। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट उस घर की खिड़कियों से बाहर आ रही थी। कालू डर से कांप रहा था, फिर भी धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। ए कौवे, वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। जैसे ही कालू ने पीछे देखा तो एक बूढ़ा तोता रोड पर खड़ा उसे आवाज लगा रहा था। कालू तुरंत भागते अपनी कार के पास भागने लगा। तभी उस बूढ़े तोते ने उससे कहा, कभी भूल के भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए कालू ने उस बूढ़े पक्षी से उसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन उसकी रूह कांप गई। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ गई। 2 साल पहले मैं उस घर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। रात में मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और मैं घर में अकेली थी। मेरे पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। जब अगले दिन इसके पेरेंट्स घर आए, उन्होंने पाया कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है, जो कि पूरे खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं सकी और उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी इसी घर में सुसाइड कर खुद की जान ले ली। पूरी फैमिली इसी घर में खत्म हो गई। इन हादसों के बाद से ये घर बंद पड़ा है, पर कुछ दिनों के बाद ही इस घर पर 2 पक्षियों की डेड बॉडीज मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वो वही 2 पक्षी थे जिन्होंने उस चिड़िया का मर्डर किया था जो इस घर में रहती थी। मैंने उन दोनों पक्षियों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया, लेकिन अब भी उस रात को भूल नहीं पाई हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम मासूम पक्षियों की जिंदगी के साथ मत खेलो। तुम यहाँ से चली जाओ, दूसरों को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि ये सब देखकर तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुख होगा। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पापा की मौत को कई साल हो गए थे। उसकी सौतेली माँ बबली कबूतरी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वही टूनी गरीब चिड़ियाओं के साथ गुब्बारे बेचती थी। टूनी की माँ बहुत ही गुस्से वाली और लालची थी। एक दिन टूनी जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो साहब जी, गुब्बारे ले लो। नहीं चाहिए मुझे गुब्बारा, चल निकल यहाँ से। टूनी को वो
चिड़ा वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे पक्षी के पास जाती है, पर वो भी उसका गुब्बारा नहीं खरीदता और उसे डांट कर भगा देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब तक टूनी का बस एक ही गुब्बारा बिका था। आज बस मेरी 5 रुपए की ही कमाई हुई है, इतने से पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे मार डालेगी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ है टूनी, चल जल्दी से आज के पैसे निकाल कर दे। टूनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए का नोट देती है। वो पैसे देखकर बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है, बस 5 रुपए और वो भी फटे हुए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बता वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे पास और पैसे नहीं है, आज बस पूरे दिन में एक ही गुब्बारा बिका है। जरूर, तो पूरा दिन खेल रही होगी, तभी कोई कमाई नहीं हुई है। तुझे तो मैं बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। बबली कबूतरी उसे गरम चिमटे से बहुत मारती है। टूनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से गुब्बारे बेचने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। उसे बहुत दुख होता है। एक तो कोई मुझसे गुब्बारा भी नहीं खरीद रहा है और ऊपर से सब मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे नहीं लेना तो मत लो, पर ऐसे तो मत बोलो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हवाई मोटर आकर रुकता है। उस हवाई मोटर में कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू कौए के साथ बैठे थे। वो टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाते हैं। टूनी खुशी खुशी उड़ती हुई हवाई मोटर के पास जाती है। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। हाँ साहब जी, बोलो कितने गुब्बारे दूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो एक काम करो, ये सारे गुब्बारे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लोगे? हाँ हाँ, बोला तो सारे गुब्बारे चाहिए। टूनी चिड़िया सारे के सारे गुब्बारे उस कौए को दे देती है, पर एक गुब्बारा अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो उस कड़कनाथ से पैसे मांगती है, वो कौआ अपना हवाई मोटर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दे दो, हवाई मोटर क्यों चला दिया? टूनी चिड़िया हवाई मोटर का पीछा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। टूनी बहुत रोती है और जैसे ही वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी सामने से एक हवाई मोटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे मार देता है। टूनी चिड़िया खून से लथपथ जमीन पर मरी पड़ी होती है और उसके हाथ से गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जब टूनी की सौतेली माँ को ये खबर मिलती है तो उसे टूनी की मरने का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी रात में सो रही थी तो वहाँ टूनी की आत्मा आती है और अपनी माँ को आवाज देती है। माँ माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी माँ? ओ माँ। टूनी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। कौन है, कौन है यहाँ? ये आवाज़ तो बिल्कुल टूनी जैसी थी। टूनी की माँ का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है, जहाँ टूनी की आत्मा हाथ में गुब्बारा पकड़े खड़ी होती है। टूनी की माँ की तो उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए खिड़की के पास जाती है तो अचानक टूनी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बस एक गुब्बारा रह जाता है। यहाँ तो अभी टूनी की आत्मा खड़ी थी, पर वो कहाँ गई? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? फिर बबली कबूतरी बाहर बंधे हुए गुब्बारे को देखती है। जैसे ही उस गुब्बारे को छूती है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में चली जाती है और वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को अपने साथ ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया की आत्मा आधी रात को उसी जगह घूमती है जहां उसकी मौत हुई थी। टूनी चिड़िया की आत्मा हाथ में गुब्बारा लिए यहां वहां भटक रही होती है। उसके बाद वहां जो भी पक्षी आता है, टूनी उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती है। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरी बारी है।
टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपनी चिड़िया के रूप में गुब्बारे बेचने निकल पड़ती है। तभी वहाँ पिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ आती है और टूनी से गुब्बारा खरीदती है। पिंकी जैसे ही टूनी के हाथ से गुब्बारा लेती है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद से वो चिड़िया बेजान हो जाती है, जैसे उसको होश ही नहीं है। थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया ना जाने ऐसे कितने पक्षियों की आत्मा को गुब्बारे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया की हरकतों से परेशान थी। वो डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो मुझे इसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसे कोई और ही दिक्कत लग रही है। टुनटुनी पिंकी को एक तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उसे देखकर ही जान लेता है कि उसकी आत्मा किसी की कैद में है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है, पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ, और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना वक्त निकल गया तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, मेरी बच्ची को बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इसकी आत्मा किसके कब्जे में है। तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई देते हैं और एक चिड़िया गुब्बारे बेचती हुई। मुझे बार बार गुब्बारे और एक चिड़िया दिख रही है। क्या कहीं वो वही चिड़िया तो नहीं? थोड़े दिन पहले एक नीली चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री में गुब्बारा दिया था। हाँ हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो तो रोज गुब्बारे लेकर रास्ते में घूमती है, अभी भी वही होगी। चलो अभी मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक और पिंकी की माँ जल्दी से टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल जाती है, जहाँ टूनी चिड़िया की आत्मा ने ढेर सारे गुब्बारे पेड़ से बांध रखे होते हैं। उन गुब्बारों में ही पक्षियों की आत्मा कैद थी। ए चिड़िया, तू चाहती क्या है? तूने क्यों उस मासूम बच्ची की आत्मा को कैद किया हुआ है? बता, उसकी आत्मा कहाँ कैद है? मैं उसे आजाद कराने आया हूँ। उसकी ही नहीं, मेरे पास तो ना जाने कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है, और मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, सबको। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे पता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला चाहिए, बदला, हर किसी से बदला चाहिए, मेरी माँ और हर पक्षी से, जिसने हमेशा मुझे दुत्कारा और मुझ पर कभी तरस नहीं खाया, मुझे मार डाला। पर किसने किया ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगा मेरी बच्ची। टूनी चिड़िया की आत्मा रोने लगती है। और रोते रोते उस तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक और टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर अब तेरे बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और खुद भी शांति से इस दुनिया को छोड़ दे, इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सच में, क्या है कोई ऐसी दुनिया? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से सारे गुब्बारे लाकर तांत्रिक को दे देती है। इसी में है सबकी आत्मा, इनको फोड़ दोगे तो सब आजाद हो जाएंगे। तांत्रिक उन सभी गुब्बारों को फोड़ देता है। सभी पक्षी पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक टूनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है। आधी रात का वक्त था। बंटी कबूतर, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो रात की ड्यूटी करके जाते हुए अपने घर वापस जा रहा था। बंटी जंगल के एक शौचालय के बाहर से गुजर रहा था। थोड़ा सा हल्का हो जाता हूँ, क्योंकि जोर से सुसू आ रही थी। तभी उसे शौचालय की दीवार पर 3-4 छिपकलियाँ दिखी। वो छिपकलियाँ आकार में बहुत ही बड़ी थी। ये कैसे छिपकलियाँ हैं? मैंने आज तक तो ऐसी छिपकली नहीं देखी। बंटी ये सोच ही रहा था कि तभी शौचालय के अंदर से उसे एक चिड़िया की हंसी की आवाज आने लगी। है? कौन कौन है भाई? अरे कौन है?
अरे कौन है? हंसी की आवाज इतनी खतरनाक थी कि बंटी डर के मारे कांपने लगता है। तभी दीवार पर लगी छिपकलियाँ भूतिया चुड़िया और भूतिया चुड़ा का रूप ले लेती है। चुड़ैल चुड़ैल भूत, अरे भागो भागो रे भागो, बचाओ बचाओ। वो शौचालय का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, तभी भूतिया टूनी चुड़िया उसे पकड़ लेती है। तू बचकर कहाँ जाएगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर टूनी चुड़िया अपने मुंह से आग निकालती है और उस बंटी कबूतर को मार देती है। फिर वो भूतिया टूनी चुड़िया और उसका पति वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद की बात है। राजू कबूतर, कालू कौआ और चिंटू चुड़ा एक शादी में खाना खाकर उसी रास्ते से अपनी हवाई मोटर से वापस लौट रहे थे। भाई पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तेरा तो हमेशा से यही है, मुफ्त का भर पेट खा लिया तो बड़ा कंट्रोल में खाता है। 10 रसगुल्ले तो मैंने गिने थे जब तू खा रहा था, ये देखो और गुड़गुड़ तेरे पेट में हो रही है, हैं? तभी उन्हें वहाँ वही शौचालय दिखता है जिसे देखकर उन्होंने अपनी हवाई मोटर रोकी। भाई सही जगह पर तूने हवाई मोटर रोकी है। फिर कालू कौआ उस शौचालय में चला जाता है, तभी उसे दीवार पर उसी तरह 3 छिपकलियाँ दिखती हैं। वो भूतिया चुड़िया का रूप ले लेती हैं और उस कालू कौए का वही हाल करती हैं। उसके बाद तो हर दूसरे दिन ये घटना उन पक्षियों के साथ घटने लगी। जो भी शौचालय में जाता था वो भूतिया टूनी चुड़िया उन्हें मार देती थी। पूरे जंगल में दहशत का माहौल बन गया था। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, जंगल के सब पक्षियों को कौन मार रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो अपने बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। इस बीच कुछ पक्षियों ने इस घटना के कारण के बारे में जानने की भी कोशिश की। उन्हीं पक्षियों में टुन्नू चुड़ा और उसकी पत्नी टुनटुनी भी थे। टुनटुनी, लगता है हमें भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे जी, हम और क्या करेंगे, यहाँ कम से कम एक छत तो है, एक छोटा सा खेत है जो एक माँ की तरह हमारा पेट भरती है, इस माँ को छोड़कर हम कैसे चले जाएं? टुनटुनी तेरी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देख, जब पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। उसी रात की बात है, टुनटुनी और उसका पति शौचालय वाले रास्ते के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें किसी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। अजी ये कैसी आवाज थी, कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? आवाज तो मैंने भी सुनी लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा है। तभी फिर से बचाओ बचाओ की आवाज आई। इस बार उन्होंने देखा कि ये आवाज शौचालय के अंदर से आ रही थी। कौन है अंदर, कौन है भाई, अरे कौन है अंदर, रुको हम दरवाजा तोड़ रहे हैं, हम मदद करने के लिए आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भूतिया टूनी चुड़िया जंगल में रहने वाले हरी तोता का गला दबा रही थी। अरे टुनटुनी भाग यहाँ से। नहीं जी ये भागने का समय नहीं है, मुकाबला करने का है, हम अपने पड़ोसी को इस तरह इनके हाथों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहकर उसने अपने गले में पहना बजरंगबली का लॉकेट निकाला और उससे भूतिया टूनी चुड़िया की तरफ उसका मुंह कर दिया। टूनी चुड़िया उस लॉकेट को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी। भाग जा यहाँ से, मत कर ये, मत कर, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, मैं पूरे जंगल के पक्षियों को मार दूंगी। लेकिन क्यों, जंगल वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल वालों ने नहीं लेकिन कड़कनाथ सेठ ने बिगाड़ा है, उसने मेरे परिवार को मार कर इसी शौचालय में डाल दिया था, पूरे परिवार को। हाँ मैं टूनी हूँ और ये मेरा पति। अरे पर तुम लोग तो जंगल छोड़कर चले गए थे ना। टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी लेकिन माता सरस्वती का आशीर्वाद उसके ऊपर था, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। एक बार शहर में गाने की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें उसे प्रथम स्थान मिला। उसके बाद तो उसका नाम फेमस हो गया, उसे कई पक्षी गाना गाने के लिए आमंत्रित करने लगे। धीरे धीरे परिवार की स्थिति बदलने लगी लेकिन उसका पड़ोसी कड़कनाथ सेठ टूनी और उसके परिवार की समृद्धि से जलने लगा। कल तक दाने दाने को मोहताज टूनी और उसका परिवार पक्का घोंसला बनवा रहा है। सुना है कि वह मेरे पास रखा अपना गिरवी खेत भी छुड़वाने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कड़कनाथ लेना जानता है देना नहीं।
कड़कनाथ सेठ ने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद उनके शरीर को जंगल में नए बन रहे शौचालय की जमीन में दफना दिया। जब वो उन्हें शौचालय में दफना रहा था, उस समय शौचालय की दीवार पर दो छिपकलियाँ थी। उनकी आत्मा उन्हीं छिपकलियों में चली गई और ये अफवाह फैला दी कि वो ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। भूतिया टूनी की बात सुनकर टुनटुनी और उसका पति दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कड़कनाथ को गिरफ्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई। उसके बाद टूनी उसके परिवार की आत्मा को मुक्ति मिल गई।